अंतर्मनाचा वेध घेणारे न्यूज चॅनल स्टार सिटी वन। राज्यातील आणि देशातील राजकीय घडामोडी पाहण्यासाठी आणि इतरही बातम्या पाहण्यासाठी सबस्क्राइब करा स्टार सिटी वन। देखिए कांग्रेस पार्टी नौटंकी है, वो डांस करती है ना, नाचा जैसी पार्टी है। ये कभी कहती ये करो, अब उन्होंने कुछ किया नहीं 55 साल, ना रास्ते किया, कभी किसानों की दखल नहीं ली, कभी उन्होंने कोई काम नहीं किया। जनता को कन्फ्यूजन करके वोट लिया, हमने जनता को कन्वेंस किया, हमने जनता को वोट मांगा। और माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो तीसरे कार्यकाल में जनता को मैनिफेस्टो दिया था कि विकसित भारत का, वो विकसित भारत मोदी जी तैयार करने जा रहे हैं। विश्व की तीसरी बड़ी आर्थिक महासत्ता देश होने जा रहा है, और जो मोदी जी ने मैनिफेस्टो जाहिरनामा में कहा था वो सारी विषय इस बजट में आए हुए हैं। कांग्रेस पार्टी ये नकारात्मक रूप से ये बजट को, क्योंकि उनको राजनीति करनी है, नकारात्मक रूप से उनको तो काम ही है राजनीति करने का, तो कांग्रेस जो किया उसको कभी अच्छा नहीं बोलेगी, क्योंकि वो अच्छा करते ही नहीं है। मोदी जी ने तीसरी देश की आर्थिक महासत्ता बनाने को, इस देश को आगे लेके जाने का प्रयास किया है। रह गई बात राष्ट्रवादी की, उनको मोदी जी के सिवा नींद ही आती नहीं। सवेरे कैमरे वाले आएंगे, मोदी जी के बारे में हम बोलेंगे, हमारे को TRP मिलेगा, ये चक्कर में वो रहते हैं। रह गई सामना की बात, तो उद्धव ठाकरे ने खुद 2 बार कहा था मुझे बजट समझता ही नहीं है, बजट का मुझे कभी देखा ही नहीं, मैंने बजट कैसा होता है, हाउस में विधानमंडल में कहा था, तो मुझे लगता है फिर उनको बोलने का अधिकार नहीं। ये सारे नौटंकी कर रहे हैं, अब उनके पास कोई रास्ता नहीं है, उनने सारे प्रयास कर लिए, ये चुनाव में उन्होंने सारा झूठ बोल लिया, अब कोई झूठ बचा नहीं है। मेरे बहनों को कहा कि 8,500 रुपये खटाखट 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 देंगे, अब महीने के कुछ पैसे मिल नहीं रहे। यहाँ 31 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट चुन क्या है, सांसद चुन क्या है महाविकास आघाड़ी के, अब सांसद लोग ये बताए कि 8,500 रुपये कब देने वाले हैं, ये सारे झूठे लोग हैं, झूठे लोगों का दरबार।